हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम वैक्यूम ब्रेक को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम ब्रेक के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइप ए। टाइप ए की जो वैक्यूम ब्रेक होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल यूनिट में दो पिस्टन है, ये पिस्टन और ये पिस्टन, ये बोथ पिस्टन वैक्यूम के एक्शन में होते हैं। टाइप ए की जो वैक्यूम ब्रेक होती है उसमें हमारे जो दोनों पिस्टन हो गए हैं वो हमारे वैक्यूम के एक्शन में होंगे। और जो हमारी टाइप बी की वैक्यूम ब्रेक होगी उसमें क्या होगा, हमारे बोथ पिस्टन हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्शन में होंगे, और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस समय हम वैक्यूम को हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारी टाइप ए की ब्रेक होती है जिसमें हमारे पिस्टन दोनों पिस्टन वैक्यूम के एक्शन में होते हैं उसे हम सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम भी बोल देते हैं। आज इस वीडियो में हम टाइप ए सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली टाइप ए सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये रैपिड इन एक्शन होता है, ये रैपिडली काम करता है जब हम ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं, एज कंपेयर टू टाइप बी वैक्यूम ब्रेक। टाइप बी के वैक्यूम ब्रेक के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के बारे में और वैक्यूम ब्रेक की कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, पिस्टन वन और पिस्टन टू होता है। जब हम ब्रेक को अप्लाई नहीं करते तो हमारा पिस्टन टू हमारा ये जो पोर्ट है इसे ओपन रहता है और हमारा पिस्टन वन इस पोर्ट को क्लोजिंग पोजीशन में रखता है। जब हम ब्रेक पैड को प्रेस नहीं करते ये जो वाल्व है ये जो पिस्टन वन है पिस्टन टू है ये हमारे पोर्ट को ओपन रखता है और पिस्टन वन हमारे पोर्ट को क्लोज रखता है। ये अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग होता है और इसे हमने कनेक्ट किया होता है एटमॉस्फेयर से। मीन्स दैट इस यहाँ पर ये जब यहाँ से ये ओपन होगा पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों पिस्टन हमारे इस सिलेंडर के साथ कनेक्ट होते हैं जिसमें हमारा स्मॉल पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। ये जो पिस्टन है ये कैसे रेसिप्रोकेट करता है, यहाँ पर हमारा मास्टर सिलेंडर होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर पिस्टन फॉरवर्ड मूव करता है और फ्लूड इसमें हम ब्रेक फ्लूड को यूज़ करते हैं, ब्रेक फ्लूड हमारा इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। इस तरह से हमारे ये पिस्टन ऑपरेट करते हैं। और इसमें एक होता है सर्वो सिलेंडर। सर्वो सिलेंडर हमारा कंट्रोल यूनिट के बोथ पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारा कंट्रोल यूनिट है उसमें एक सिलेंडर बोल सकते हैं, ये दो सिलेंडर है, फर्स्ट पिस्टन सिलेंडर सेकंड पिस्टन सिलेंडर। हमारा सर्वो सिलेंडर बोथ पिस्टन सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है, वन के साथ भी सेकंड के साथ भी। ठीक है, और हमारा सर्वो सिलेंडर का एक एंड हमारा इस वैक्यूम रिजर्वायर और डायरेक्टली वैक्यूम के साथ कनेक्ट होता है। अभी हमारे बात आती है हम वैक्यूम ब्रेक में वैक्यूम कहाँ से यूज़ करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, या तो हम ड्यूरिंग सक्शन ऑफ द इंजन हम डायरेक्टली जो सक्शन के दौरान जो वैक्यूम क्रिएट होता है या तो हम डायरेक्टली वैक्यूम को यूज़ कर लें। इसका और मेथड होता है, एक तो हम उस वैक्यूम को स्टोर भी कर सकते हैं वैक्यूम रिजर्वायर में, और सेकेंड मेथड क्या होता है हम वैक्यूम पंप को यूज़ करते हैं इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए और ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए। जब हमारा ये सर्वो सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा इसकी मूवमेंट डायरेक्टली हमारी कैम के साथ कनेक्ट होगी, जब हमारी कैम रोटेट करेगी तो ब्रेक शू हमारे ऑपरेट होंगे, जब हमारे ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के साथ कंटेक्ट में आएंगे तो हमारी ब्रेक एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने नॉन रिटर्न वाल्व प्रोवाइड किया होता है, इसका मेन पर्पस होता है जहाँ से वैक्यूम आए तो उस वापस ना जाए
यहाँ एक डायरेक्शन की तरफ ही फ्लो करे। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक होता है वैक्यूम प्रेशर, दोनों में डिफरेंस होता है। वैक्यूम प्रेशर इज़ ऑलवेज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई होता है, और जो प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा उसे हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और वैक्यूम प्रेशर कम होता है। ठीक है, अभी हम इसकी वर्किंग, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, अभी हम इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने ब्रेक पैडल को अभी प्रेस नहीं किया, उस समय क्या होगा, हमारा ये पिस्टन, जो हमारा पिस्टन वन है, इस पोर्ट वन को क्लोज कर देगा, क्लोज पोजीशन में होगा, और हमारा पिस्टन टू जो है इस पोर्ट को ओपन रखेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एटमोसफेयर से एयर नहीं आएगी, और यहाँ ये तो क्लोज है, यहाँ से एयर इस कंट्रोल यूनिट में नहीं आएगी। ठीक है, और जो यहाँ से वैक्यूम रेजरवायर से जो वैक्यूम होगा, यहाँ से वैक्यूम आएगा और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये वैक्यूम रेजरवायर इसके साथ भी कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने ब्रेक पैडल प्रेस नहीं किया उस समय इस रीजन में भी वैक्यूम क्रिएट है, इस रीजन में भी वैक्यूम है, अगर इस रीजन में वैक्यूम है इसके इस रीजन में भी वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये डायरेक्टली इसके साथ भी कनेक्ट है और इस रीजन में भी वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, अभी हमने जब जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब मान लीजिए हमने ब्रेक पैडल को प्रेस कर दिया, तो उस समय ये हमारा पिस्टन राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब राइट की तरफ मूव करेगा, हमारा जो ब्रेक फ्लूड है उसका प्रेशराइज होगा, और इस पिस्टन को सिलेंडर में अपवर्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा हमारा ब्रेक फ्लूड। जब ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा तो ये जो हमारा पिस्टन टू है इस पोर्ट को बंद कर देगा, यहाँ से ये पोर्ट बंद हो जाएगा, और ये जब बंद होगा तो उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी ऊपर को मूव होगा। जब ये अगेंस्ट द स्प्रिंग मूव होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, जब हमने प्रेस किया ये पोर्ट ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये यहाँ से क्लोज हो गया, जब हमने ब्रेक पैडल को प्रेस कर दिया ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पर एटमोसफेयर से एयर आ रही है। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ इस रीजन में एटमोसफेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, और यहाँ से जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से तो क्लोज हो ही गया, इसका मतलब इस रीजन में वैक्यूम है, इस रीजन में वैक्यूम है, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, किस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। तो हमें पता है जहाँ पर हाई प्रेशर होगा और जहाँ पर लो प्रेशर होगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम मीन्स दैट जहाँ पर लो प्रेशर है। तो यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है ये इस तरफ मूव करना की कोशिश करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा ही हमारा एक्टिव होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से हमारा पिस्टन इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, और हमारा पिस्टन इस तरफ जब मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट हमारी कैम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट में होगी। जब हमारी कैम रोटेट करेगी तो हमारी ब्रेक, जब हमारे ब्रेक शू और ब्रेक लाइनिंग ब्रेक ड्रम के साथ कंटेक्ट में आएगी तो हमारी ब्रेक एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको फिर से बता देना चाहता हूँ वर्किंग, जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे, ये जो सेकंड पिस्टन है इस पोर्ट को क्लोज कर देगा और फर्स्ट पिस्टन इस पोर्ट को ओपन कर देगा। जब इसे ओपन करेगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया, इस रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया, और इस रीजन में तो वैक्यूम तो था ही, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर है, वैक्यूम मीन्स इधर लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, हाई प्रेशर जहाँ पर क्रिएट होगा यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की तरफ से हमारा जो प्रेशर होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से हमारा पिस्टन इसकी तरफ या राइट साइड मूव करेगा और हमारी ब्रेक एप्लीकेबल हो जाएगी।
यहाँ पर हाई प्रेशर मीन्स दैट यहाँ पर एयर की प्रेजेंस ज़्यादा है, यहाँ पर एयर की प्रेजेंस कम है, इसी वजह से हमारा पिस्टन इस राइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये थी सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। एक हमारी होती है टाइप बी वैक्यूम ब्रेक। उसमें क्या होता है, हमारे जब हमने ब्रेक को अप्लाई नहीं किया, हमारे पिस्टन टू और वन हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कनेक्ट होंगे, एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने जब हमने ब्रेक को अप्लाई करना है, ब्रेक पैडल को प्रेस कर दिया, उस समय इस रीजन को हम वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे। जब जब हमने ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं किया, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो हमारा पिस्टन मूव नहीं करेगा। जब हमने ब्रेक पैडल को प्रेस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा, जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो जो हमारा ये पिस्टन इस तरह मूव करेगा और हमारी ब्रेक एप्लीकेबल हो जाएगी। बेसिकली सस्पेंडेड टाइप ए वैक्यूम ब्रेक यूज़ की जाती है क्योंकि ये रैपिड होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी वैक्यूम ब्रेक। ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वर्किंग इंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।